वार्ड के सभासदों ने नगर पंचायत अधिकारी की मनमानी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद से अभी तक बैठक नहीं बुलाई गई, जिस पर अधिशासी अधिकारी बगैर वार्ड सभासदों की जानकारी के ही टेंडर पास कर देते हैं, जिसका उनको अधिक कमीशन मिलता है। वार्ड के सभासदों ने इस पर कहा कि टैक्स वसूली की धांधली, पानी टैंकर, सोलर लाइट जैसी कई कमियों के बारे में भी अवगत कराया, जिस पर सभी वार्ड सभासदों ने उच्च अधिकारियों से लिखित शिकायत करने को कहा। इस मौके पर सुभाष वार्ड फरीदा बानो, पतीस भाग कोठी वार्ड राम गोपाल यादव, गोसियाना वार्ड अतीक कुरैशी के साथ कई मौजूद रहे। नगर पंचायतों में पता कर लीजिए, जो प्रधानमंत्री जी ने आवास दिए हैं गरीबों को, कहां कहां कितने बने। आप हैदरगढ़ नगर पंचायत में पता कर लीजिए कितना बना, बिल्कुल जीरो। मामला है आज, मामला ये है कि हमारे ईओ साहब का बजट 10,000 वाली जो योजना प्रधानमंत्री जी की चल रही है, हमारी जनता बेहाल है, परेशान है, उसकी किसी प्रकार सुनवाई नहीं होती। वो नगर पंचायत आते आते बैंक जाते जाते चप्पल गिर डाले पाई है, उसको 10,000 रुपये की योजना प्रधानमंत्री जी की नहीं मिलती। इसके पहले लॉकडाउन में प्रधानमंत्री जी ने 1,000 रुपये की योजना चलाई, वो भी नगर में किसी भी व्यक्ति को नहीं मिल पाई। पूरे नगर में इतना बड़ा नगर है हमारा, 20,000 25,000 जनता का, उसमें तो बताइए 100 आदमी 50 आदमी को 1,000 रुपये भी नहीं मिल पाया। ये किसकी कमी है? ये हमारे ईओ साहब की कमी है। ये ईओ साहब आप लोगों से बात नहीं करते हैं? ईओ साहब फोन ही नहीं उठाते, बात करने को तो बड़ी दूर है। जब उनसे बात कभी हो भी जाती है, बस कल मिलेंगे, मुलाकात हो जाएगी, और 6 महीने जब आएंगे नहीं तो मुलाकात किससे होगी। तो ईओ साहब की मिली भगत से भ्रष्टाचार? ईओ साहब की पूरी मिली भगत से पूरा भ्रष्टाचार पूरे नगर पंचायत में हो रहा है। हाँ, क्या मामला है? मामला ये है, हम लोग सब आए थे ईओ साहब से मुलाकात करने, 2-3 दिन से वो ऑफिस नहीं आ रहे हैं, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। सुबह बात हुई तो वो कह रहे हैं कल आएंगे, रोज़ इसी तरह करते हैं, आते हैं तहसील से निकल जाते हैं, हम लोगों से बात नहीं, कोई समस्या नहीं सुनते। हम लोग इसीलिए सांकेतिक धरने बैठे हैं कि जब तक ईओ साहब नहीं आएंगे, जब तक हम लोग यहाँ नहीं जाएंगे। बाराबंकी से संवाददाता विजय कुमार पाठक।